अशोक वानखेड़े जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, मेरा एक सवाल है। आप बार बार कह रहे हैं कि इतने सालों से हमको करने नहीं दिया, मुझे क्या 3-4 फिल्मों के नाम बताएंगे कि जो फिल्में आई सेंसर ने उनको रिलीज नहीं होने दिया, या सेंसर ने उनको काम नहीं करने दिया, या सेंसर ने उनको रिलीज मतलब थिएटर ने उनको जगह नहीं दी? ऐसी 3-4 फिल्में के नाम बताइए जो 2014 के पहले, क्योंकि आपका नरेशन यही बताता है कि 2014 के बाद ही इंडिपेंडेंस मिला है, चाहे पत्रकारों को बोलने का हो, चाहे फिल्म मेकर्स को फिल्म बनाने का हो, चाहे सिंगर्स को गाने का हो। तो मैं 1947 से लेकर 2014 तक ऐसे कुछ फिल्मों के नाम बनाना चाहता हूं कि जो फिल्में बनी लेकिन रिलीज नहीं हो पाई क्योंकि सरकार ने उनको रोका किसी ना किसी एंगल से। अशोक जी, आप, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं, आप बहुत ही सीनियर इंसान हैं, मैं आपको फॉलो भी करता हूं। ऐसा अशोक जी, देखिए, एक होता है, एक रोक मानसिक तौर पे होती है। आपको ये पता होगा कि किशोर कुमार को बैन कर दिया गया था, आपको पता होगा कि देव साहब को बैन कर दिया था। मैं इमरजेंसी की बात नहीं करता। नहीं नहीं, इमरजेंसी का वो पीरियड छोड़ के बाकी पीरियड, मुझे जवाहरलाल नेहरू से लेके, शास्त्री से लेके, अटल बिहारी वाजपेयी के पीरियड से लेके तमाम पीरियड की बात करता हूँ। अशोक, घूम फिर के इमरजेंसी के पीरियड पे मत आइएगा, वहां तो सस्पेंशन ही था। नहीं नहीं अशोक जी, अशोक जी, मेरे हिसाब से, हम जैसे लोगों के हिसाब से इमरजेंसी तो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी थी ना, हम जैसे लोगों के लिए, हम जैसे आवाजों के लिए वो इमरजेंसी का माहौल तो अब तक चल रहा था। प्रोडक्शन हाउसेस, प्रोड्यूसर्स, फाइनेंसर्स, थिएटर्स एक बहुत ही सटल तरीके से हमको ये फिल्में नहीं बनाने दे रहे थे, बहुत तरीके से हमको नहीं बनाने दिया, हमें सोचने नहीं दिया जाता था। विक्टिम तो मैं हूं, मुझे पता है। आपने एक डिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है, एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी होती है, ये क्या रीजन है? टुडे देयर इज अ, दैट टाइम इट वाज एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी, कोई फाइनेंसर आपके सामने नहीं खड़ा होता था। आपकी हिम्मत नहीं होती थी कश्मीर फाइल बनाने के लिए, आपकी हिम्मत क्यों नहीं हिम्मत हुई लोगों की कश्मीर फाइल बनाने के लिए उस वक्त पे? क्यों नहीं हिम्मत हुई केरला स्टोरी बनाने के लिए? क्यों नहीं हुई बदतर होने पर बनाने के लिए? क्यों नहीं होगी आगे आगे जो फिल्म बनाने के लिए? ये कॉन्फिडेंस लेवल की बात होती है। मधुर भंडारकर आपके मित्र है, परम मित्र है जी, उन्होंने तो जितनी रियलिस्टिक फिल्में बनाई वो 2014 के पहले की थी, और उन्होंने समाज के उन तमाम बुराइयों पे हार्ड हिटिंग किया जिसमें सरकार भी एक्सपोज होती है कि यदि डांस बार चल रहे हैं तो सरकार एक्सपोज होती है। Page 3 अखबार की दुनिया का पूरा भ्रष्टाचार रास्ते पे लाए उन्होंने, तब तो किसी ने नहीं रोका, अखबारों ने तो बैन नहीं किया। ये तमाम लोग तब भी थे, तब भी पिक्चर लेफ्टिस्ट ओरिएंटेशन की। यदि आप बीआर चोपड़ा की फिल्म देखिए तो बीआर चोपड़ा थोड़े लेफ्टिस्ट थे उस जमाने में। देश की आजादी के बाद जितने भी तमाम संगीतकार थे, मतलब कई लोग थे ऐसे, शबाना आजमी के पिताजी भी, वो लेफ्टिस्ट ओरिएंटेड लोग थे, और इन लोगों के गाने चले, इन लोगों की फिल्में चली, किसानों का आंदोलन चला, 2 बीघा जमीन यही बनी, 2 बीघा जमीन वो समाज के खिलाफ वो तमाचा था जो समाज में चल रहा था। तब सरकार में वही लोग थे जो लोग सत्ताधीश थे, जो जमींदार थे, लेकिन फिल्में तब भी चली। क्या अभी, मैं दूसरा एक है, क्या अभी एक जुनून चल रहा है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को साइड को करके उस पर हार्ड हिटिंग करो तो एक आपको समर्थन मिलता है और 100 करोड़ के क्लब में चली जाती है पिक्चरें हिट होने लगती है। पठान जैसी पिक्चर, जिस पिक्चर को मेरे हिसाब से पठान का तो 100 करोड़ का कलेक्शन नहीं होना चाहिए क्योंकि पिक्चर 1000 करोड़ की पिक्चर वो बनती है क्योंकि कॉन्ट्रोवर्सी। क्या फिल्म मेकर ने एक नया धंधा शुरू कर दिया कि कॉन्ट्रोवर्सी खड़ी करो और फिर पैसा कमाओ? अशोक जी, पहली बात तो मैं आपकी इस पूरे डिस्कशन को या आर्गुमेंट को पूरा निगेट करता हूँ कि फिल्म मेकर्स जो हैं वो इतने अनकूत और इतने अनएजुकेटेड नहीं हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ठीक से समझते हैं। आपने मेरे दोस्त मधुर की फिल्मों का एग्जाम्पल दिया, वो एग्जाम्पल सोशल इविल की बात है। आप ये कहते हैं कि कम्युनिटी को हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं और पैसे कमा रहे हैं, तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप ये कहकर वो करोड़ों लोगों की को निगेट कर रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं जो अपने मर्जी से पिक्चर देखने गए हैं। या तो आपके इंटेलिजेंस में कोई प्रॉब्लम है या उनके इंटेलिजेंस में प्रॉब्लम है। सेकेंडली, अगर वो कौम टेररिज्म को सपोर्ट करती है तो फिर वो कौम के खिलाफ है। अगर वो कौम ये कहती है कि वो हमने कश्मीरी पंडितों का जेनोसाइड किया है, अगर और ये जायज है, अगर वो कौम इसको एक्सेप्ट करती है देन देयर इज अ प्रॉब्लम। हम तो बात कर रहे हैं उन लोगों की जो कंट्री के खिलाफ टेररिज्म को सपोर्ट करने वाले लोग, इसमें कौम का कोई लेना देना ही नहीं है। आप ही लोग कहते हैं ना कि टेररिज्म इज नो रिलीजन, तो जब टेररिज्म इज नो रिलीजन तो एक कौम भी इसमें कहां से आ जाती है? ये उन लोगों के खिलाफ है, ये उन लोगों के खिलाफ है अशोक जी, जो लोग
इस देश में देश के खिलाफ काम कर रहे हैं, चाहे वो अर्बन नक्सल्स हो, चाहे वो नक्सलाइट्स हो, चाहे वो टेररिज्म हो, चाहे वो सारी ताकतें, चाहे वो पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिन्होंने दुकानें चलाई हैं अपने यहां पर, किस कंट्री को किसी ना किसी तरीके से खत्म करो। और हर चीज को नरेंद्र मोदी से जोड़ने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। हम अपनी औकात रखते हैं। ओके, हम अपनी आपने 2014 बोला है, नहीं बार बार कह रहे कि इतने सालों तक नहीं हुआ। अरे वो तो मेरी फीलिंग है, नहीं हुआ। अरे वो तो मेरी फीलिंग है, मेरी फीलिंग है। आप तो जोड़ा कैसे कर सकते हैं? अपनी फीलिंग बता दी, मेरी फीलिंग बताई। मैंने कहा आपको मत बताइए। आपने बताइए ना, आपने कहा कि हर चीज को मत बताइए। मैंने आपको कहा आप मत बताइए। अभी तो बोले से मत जोड़िए। अरे अशोक जी, मैं अप्लाई कर रहा हूँ। आई हैव फेल्ट प्रोसिक्यूटेड फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स। मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अच्छा, और ये हकीकत है, आपको सही लगे या गलत लगे। अशोक भाई, इट्स अ नॉट फैक्ट। जयशंकर जी, छोटा सा सवाल सर, छोटा सवाल प्लीज। देखिए, रामायण, कुरान, बाइबल जैसे धार्मिक ग्रंथों पर विवादित फिल्में क्यों बनाई जाती हैं, जिनसे लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है? ये मैं नहीं कह रहा हूँ। दो सवाल है, एक सेकेंड। हाँ। निशांत, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीश पूछ रहे हैं। इस तरह की फिल्में बना के जो राजनीतिक मकसद होता है, उसके मकसद से जो राजनीतिक फिल्में बनती हैं, तो आपकी थैलियाँ तो भर जाती हैं, करोड़ों रुपए आपके पेट में आ जाते हैं, लेकिन इससे जो समाज में नफरत फैलती है, सांप्रदायिक हिंसा का माहौल, उन्माद पैदा होता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? देखिए, पहली बात तो किसी भी मेकर को या किसी भी प्रोडक्शन हाउस को, किसी भी डायरेक्टर को, किसी भी राइटर को, किसी को भी किसी भी धर्म का मजाक उड़ाने का कोई हक नहीं है, कोई हक नहीं है। आपको किसी ने लिबर्टी नहीं दी हुई है। आपने फिल्म का जो जिक्र कहा, हमको रिस्पॉन्सिबल होना बहुत ज़रूरी है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, हम मेकर्स, हम राइटर्स, हम पेंटर्स, जितने भी लोग हैं, इतनी संशुद्धता तो होनी चाहिए हम लोगों में कि आप किसी धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। बिकॉज ये देश जो है, ये सब धर्मों का एक 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 एक्सप्रेशन है, उसका एक एक पावर है, एक स्ट्रक्चर है, सब कुछ। तो हमको धनी, और मैं खास करके अगर मेरी बात करें तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ ऑल द रिलीजन्स। मुझे कोई आपत्ति नहीं और कोई कुछ नहीं, और मैं खाली बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। हम जो है कश्मीर में 3% हिंदूज थे और 97% कश्मीरी मुस्लिम्स थे। हमने साथ में अपने इतने साल वहाँ पर गुजारे थे। तो कोई अगर मुझे ये कहे कि भैया आप सेक्युलरिज्म में बिलीव नहीं करते, तो मुझे कुछ सेक्युलरिज्म सिखा नहीं सकता और मुझे कुछ सेक्युलरिज्म पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि मैं हार्डकोर मेरे अंदर सेक्युलरिज्म जीता है और मरता है और सब कुछ है, तो मेरे अंदर है वो। तो जहाँ तक रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हर मेकर को, हर शख्स को किसी भी धर्म का या किसी भी रिलीजन का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अच्छा, कंट्रोवर्सी की अगर बात हो रही है, तो सवाल ये आता है कि कश्मीर फाइल्स की जो स्क्रीनिंग हुई वो जेएनयू में हुई, द केरल स्टोरी की स्क्रीनिंग जेएनयू में हुई, और अब 72 हूरों की भी। ये सिर्फ इत्तेफाक है या विवादों के जरिए फिल्म हिट कराने का कोई फॉर्मूला? देखिए निशान जी, मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट्स कम्युनिटी में ऐसी फिल्में दिखाना बहुत जरूरी है, और जब खास करके ऐसी धरती पर और ऐसे जमीन पर, ऐसे इंस्टीट्यूशन पर भारत तेरे टुकड़े होंगे के नारे लगते हैं, तो फिर 72 हो रहे दिखाना बहुत जरूरी है और बहुत आवश्यक है। इट इज वेरी नेसेसरी कि ऐसी जगहों पर जहां पर एक तबका है, जहां पर एक कैंसर है, जहां पर एक तबके के स्टूडेंट्स हैं, जो है एक नक्सलियों का एक पूरा डंबा है वहां पे, हम तो कोशिश कर रहे हैं जादवपुर यूनिवर्सिटी भी दिखाने के लिए। हम कह रहे हैं कि कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशन में जेएनयू की बात नहीं कर रहा हूं, हम चाह रहे हैं जितने कॉलेज स्टूडेंट जितना यूथ, जितना यंग क्राउड बिलोंगिंग टू ऑल थॉट्स, सब सोच वाले लोग इस फिल्म को देखें, हमारी कोशिश हुई है। लेकिन सवाल यह है अशोक जी, जिस यूनिवर्सिटी को आप लोग अर्बन नक्सल के लिए बोलते थे, जिस यूनिवर्सिटी को आप टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर बेस बोलते थे, फैक्ट्री बोलते थे, उसी वही जगह मिली आपको फिल्म दिखाने के लिए, तो घर में घुस के मारो ना, प्रॉब्लम क्या आपको? अरे भैया, ये है ना, गलत नहीं है ना, सही है ना निशान जी, सही है कि नहीं है? भैया हम उस पूरी फौज से लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? आज भी लड़ रहे हैं, आज भी जो है देश के खिलाफ जितने नारे ये कमेंट तो पुलिस या अदालत का होगा ना, हम क्यों कहेंगे इस पे? आप कैसे कह सकते हैं? क्यों, मैं सिटीजन हूं, मेरा हक है, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, मेरा फ्रीडम ऑफ राइट है, मैं क्यों बोलूंगा? मुझे हक नहीं है बोलने का, मुझे भी हक है बोलने का, जो मैं चाहता हूं, जो मैं बोलना चाहता हूं, मुझे भी हक है बोलने का, जो लीगल फ्रेमवर्क में होता तो बोलूंगा ही बोलूंगा, उनको अलाउड है।